डीएससी जनरली हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, बना सकते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड से। यदि किसी का आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर तो आधार बेस्ड बना सकते हो, यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उनका पैन बेस्ड डीएससी बना सकते हो। बनाना कैसे है, तो उसके लिए हम यहाँ जा सकते हैं, पेपरलेस डीएससी लिंक, या एक एडवांस का भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो पेपरलेस डीएससी, देखो एक यहाँ पे लिंक आ गया, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है ना सर, कहाँ सर यस सर पे गए, पेपरलेस डीएससी, इस लिंक बनाए तो यहाँ एक लिंक जनरेट हो गया, ये लिंक यहाँ से खुल गया है ना। दूसरा और एक ऑप्शन है, वो भी दिखाता हूँ, एडवांस पेपरलेस डीएससी। तो देखो यहाँ पे एडवांस है, जैसे आपको डीएससी कैसा बनाना है पहले ही पूछ रहा है, स्पेशल पर्पस, डीजीएफटी, कॉम्बो। स्पेशल पर्पस मतलब सिर्फ साइनिंग, डिजिटल सिग्नेचर में दो सर्टिफिकेट होते हैं, एक साइनिंग और एक इंक्रिप्शन। तो सिर्फ साइनिंग बनाना है तो फर्स्ट वाला, साइन प्लस इंक्रिप्शन दोनों सर्टिफिकेट बनाना है तो कॉम्बो, ठीक है, ऐसा रहेगा। और एक जनरल पर्पस, जनरल पर्पस में ही हम लोग यूज करेंगे। देखो जनरली हम लोग कभी भी स्पेशल पर्पस और स्पेशल पर्पस कम्बो यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि क्लास टू का डीएससी आता है और क्लास टू का डीएससी अभी बंद हो गया है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा जनरल पर्पस यूज करेंगे। और यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी है उनका डीएससी बनाना है तो हम लोग डीजीएफटी यूज करेंगे, उसका जो डीएससी बनता है वो डीजीएफटी। ये किसके लिए यूज होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के लिए। तो हम लोग जनरली अभी फिलहाल सिर्फ जनरल पर्पस यूज करेंगे। इसमें आ गया क्लास थ्री, यूजर कैसा बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है, कोई कंपनी का बनाना है, कोई गवर्नमेंट कंपनी का बनाना है, बैंक का बनाना है, या कोई फॉरेन की कंपनी का बनाना है इंडिविजुअल, या कोई फॉरेन का ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, तो आप इतने टाइप के डीएससी यहां से बना सकते हो। जनरली जो सबसे ज्यादा डिमांड में आता है इंडिविजुअल, मतलब मेरे नाम से ही डीएससी बना के दो, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इंडिविजुअल। यदि बोलेगा मेरे कंपनी के नाम से, जैसे मैं भगत टेक्नो का है तो मुझे भगत टेक्नो के नाम से डीएससी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डीएससी बनेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन का डीएससी जनरली जो सबसे ज्यादा लगता है वो है रेलवे को, रेलवे में ऑर्गेनाइजेशन का ही डीएससी लगता है। और यदि नॉर्मल बनाना है तो इंडिविजुअल, जैसे मुझे अभी नॉर्मल बनाना है तो इंडिविजुअल मेरे नाम से। कैसा चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर चाहिए या इंक्रिप्शन चाहिए या दोनों चाहिए, तो यदि दोनों चाहिए तो बोथ, और सिर्फ सिग्नेचर चाहिए तो खाली सिग्नेचर, तो मैं बोथ कर देता हूँ। डीएससी दो, 1 साल, 2 साल और 3 साल, ऐसे अलग अलग बनता है। आपको कितने साल के लिए बनना है, 1 साल के लिए बनाना है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, सबसे जो अच्छा रहता है वो 2 साल, क्योंकि ये रेट सबसे हमारा अच्छा रहता है 2 साल का, इसलिए हम लोग 2 साल के लिए बना रहे हैं। तो क्लास हमारा सुबह का 5 रहता है ना क्या, थ्री? नहीं वो सुबह का है क्लास 5, पर यहाँ पे जो डीएससी बनाओगे वो क्लास 3 का ही बनाने का हाँ, ठीक। है। यहाँ पे किसी का भी डीएससी बनाना है, किसी का भी, क्लास 3 का ही बनाना है, ठीक है। बस अभी मेरे पास एक डीएससी बनाना है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, बना के देखो। तो देखो मुझे आया है 3 साल का और उसको साइन और इंक्रिप्शन का दोनों सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम लोगों ने डाला बोथ 2 साल के लिए। तो यहाँ पे करते हैं जनरेट पब्लिक लिंक, देखो फिर से यहाँ पे लिंक जनरेट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली लिंक जनरेट हो गया, अभी जो डीएससी मेरा कैसा बनेगा, क्लास 3 का, इंडिविजुअल का, साइन प्लस इंक्रिप्शन 2 साल के लिए, ये लिंक पे क्लिक कर दो, लिंक बन गया। सेम क्या क्या चीजें लगेगा, आधार यदि है तो आधार, आधार का वीडियो केवाईसी के लिए लगेगा, ऑफलाइन आधार यदि करना चाहते हैं तो आप उसका एक्सएमएल डाउनलोड करना चाहते हो, ऐसे आपको बता दिया है किसके लिए कैसा कैसा लगेगा, इंडिविजुअल के लिए किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शंस आ रहा है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्विक, जनरली सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं क्विक इंडिविजुअल डीएससी फॉर आधार होल्डर, जो लोग आधार से है उनका, यहाँ पे जाके अप्लाई यूजिंग आधार यहाँ पे क्लिक कर दो।
देखो आ गया, अब यहाँ पे पेन, पेन कार्ड का नंबर, समझ में आ रहा है या रिपीट करो इसको? यहां तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी पेन कार्ड का नंबर, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे वीडियो देख के तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। डीएससी आप बना सकते हो किसी का भी, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएससी आप कितना भी बनाओ तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम नहीं। तो हमने इसका जैसे पेन कार्ड डाला वैसा उसका नाम थोड़ा आ गया कि नाम प्रॉपर है कि नहीं, मोबाइल नंबर। ये उसका मोबाइल नंबर है, अब ये गेट ओटीपी के लिए भेज देता हूं तो वहां से मुझे मिल जाएगा। देखो इसको भेज दिया गया है ना। ठीक है, अभी आते हैं ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी इनका क्या है? इसका भी भेज देते हैं। ये दोनों का जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहां डालना पड़ेगा मुझे, आधार नंबर। ठीक है, और यहां पर भी हम लोग भेजेंगे चैलेंज कोड। चैलेंज कोड आपको डालना है। तो चैलेंज कोड ये कब लगता है? जब डीएससी आप बनने के बाद डाउनलोड करोगे तो क्या कोड डालना चाहते हो? ये 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। तो मैं क्या डालता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6, है ना? ये कब लगेगा? डीएससी डाउनलोड करते वक्त डालते। फोन करता हूँ, तो देखो मुझे अभी जो कोड है वो भेज रहा है ना? जैसे भेजेगा हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। यहां तक क्लियर है? कुछ समझ में दिक्कत है? नहीं सर। सर आपका ईमेल और मोबाइल में देखो एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो भेजो ना नया आईडी क्रिएट करने के लिए। दिनेश सर आपके व्हाट्सएप पे भेजो क्या? हाँ मुझे भेज दो। ईमेल आईडी और ईमेल पे और मोबाइल दोनों पे कोड गया होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और नहीं 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 उस पे कोड गया होगा, हाँ वो भेजो। आया ना? हाँ भेज दो मुझे कोड। देखो अभी मोबाइल 14138 सर वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग वो कोड डालते हैं ना, आपका वाला नहीं, अभी जो कस्टमर का है उनका वाला और ईमेल का।
दोनों कोड डाल दिया, अभी आधार के लिए भेजता हूं। देखो मुझे यहाँ पे आधार का भी मिल गया, अभी यहाँ पे वो भी डालता हूँ, ठीक है। तो ये तीन कोड मुझे लेना पड़ेगा, है ना, एक बार मोबाइल का, एक बार ईमेल का, और एक बार आधार का। यदि आधार का मोबाइल नंबर वही है तो उसी में जाएगा, वो लेना है। चैलेंज कोड क्या डालना है, 1 2 3 4 5 6, या अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हो। ये डाउनलोड करते वक्त आपको यही कोड डालना है, और ये डालने के बाद, और यहाँ पे एक नया सिस्टम भी आया है बायोमेट्रिक वाला। अब बायोमेट्रिक यदि मशीन है तो उससे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो हम लोग फिलहाल कोड सिस्टम से ही करते हैं, इसको करते हैं प्रोसीड टू एग्री। यहाँ पे एग्री नहीं किया, इसको एग्री करेंगे और प्रोसीड। देखो ऑटोमेटिकली उनका फोटो आ गया जिनका है, आधार से। कहां से आया, आधार से। अब इसको फिर से और एक बार वेरिफिकेशन कोड के लिए भेज देता हूं। अब यहां पे एग्री दो बार, और अभी और एक बार मिल गया कि वो वेरिफिकेशन कोड अपने को इनका डीएससी बन जाएगा, मतलब सिर्फ अप्लाई करेंगे। और इनका पूरा देखो एड्रेस वगैरह मैंने डाला था क्या, कुछ भी नहीं डाला था, ये ऑटोमेटिकली आ गया। कहां से आया, आधार के वेबसाइट से आ गया। अभी यहां पे और एक कोड डालते हैं, ठीक है, डाल दिया इसको ई साइन। सिर्फ 5 मिनट ही बहुत है बनने के लिए। हो गया, देखो क्या क्या कंप्लीट हो गया, इनरोलमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस बच गया, एप्लीकेशन का फोटोग्राफ अपलोड हो गया, क्रेडेंशियल सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। जब ये वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ये दोनों वेरिफिकेशन के लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए उनको एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करो तो एक लिंक जनरेट हो जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा। ये लिंक को उठाओ और कस्टमर को भेज दो, जो ये लिंक से आपको एक वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे स्टार्ट करोगे, क्या क्या बोलना है, आई एम जो नाम है वो अप्लाई फॉर डीएससी, और मेरा जो कोड है ये पढ़ के डायरेक्ट फेस टू फेस आपको बताना है, और यहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिट करना है। चाहो तो ये कोड हम लोग भेज सकते हैं, तो मैं कोड ये भेज देता हूं कस्टमर को। मैं आपसे ये लिंक को उठाया और ये लिंक को भेज देता हूं, वो लिंक पे कस्टमर क्लिक करके तुरंत रिकॉर्डिंग करके वीडियो वेरिफिकेशन कर लेगा। जैसे ही कर लेगा ये मेरा ये जो है ये पेंडिंग ये कंफर्म हो जाएगा। दिखाता हूं मैं वो, अब यहाँ पे कस्टमर है, इसको हम लोग लिंक को भेज देते हैं, ये लिंक्स अभी वो कर लेगा, ठीक है, करने के बाद फिर मुझे पता चलेगा। और यदि मैं अभी देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी जो डीएससी प्रोसेस किया हुआ देखना चाहता हूँ, तो यहां से पता चलेगा, एप्लीकेशन मैनेज एप्लीकेशन, वो कस्टमर ने वीडियो वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया ये तुरंत पता चल जाएगा मुझे यहां से व्यू में, अभी तक उसने नहीं किया। यदि करना कर देगा तो ये ऐसा ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, करने का हमें वेट करवाना पड़ेगा, जैसे कर देगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना आएगा सीए वेरिफिकेशन, वो कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताता हूं।
आपके पास कोई डीएससी बनाने के लिए है क्या? डीएससी मेरा खुद का ही बनाना है। क्या बनाना है क्या? हाँ ठीक है, तो पहले ये देख लो, और इसका मैं आपको वीडियो का जो लिंक है वो भेज दूंगा, तो आप हाँ वीडियो के अकॉर्डिंगली एक बार बना के देखो। कुछ हाँ प्रॉब्लम आया तो मैं मोबाइल नंबर मेरा दे दूंगा, मेरा मेरा मोबाइल नंबर है ना आपके पास? है ना। हाँ, तो मुझे कॉल कर लो, तो एक डीएससी आपको फिर खुद से बना दे, बना के देख लो। आपका खुद का ही बनाना है, तो खुद एक बार आप बना लोगे तो आपका हाँ ऐसा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। एक डीएससी बना लेंगे तो दोबारा फिर से आपको दिक्कत नहीं आएगी। आईडी वगैरह तो आपका बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, ईमेल वगैरह आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम रहा तो और एक नंबर दे दूंगा, आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो कहाँ से पता चलेगा मुझे उसने वेरिफिकेशन किया कि नहीं, एप्लीकेशन मैनेज एप्लीकेशन, यहाँ पे इसको व्यू करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अभी तक कस्टमर ने नहीं किया, यदि मेरा कस्टमर सामने है तो यहाँ पे क्लिक करके भी मैं इसका वेरिफिकेशन जगह पे करवा सकता हूँ, तुरंत यहीं पर, जैसे मेरे पास कस्टमर सामने है। नहीं तो ये लिंक उठा के और खाली भेज दूंगा, बोलूंगा आप अपने जहां पर भी हो वहां से करवा लो, है ना? देखते हैं, अभी बोला हूँ उसको वेरिफिकेशन करने के लिए, देखो कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा जैसे ही करेगा। उसके बाद मैं आपको आगे का तरीका बताता हूँ, फिर हम लोग डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। ये अभी वेरिफिकेशन हो गया, अप्रूवल हो जाएगा, और फिर डाउनलोड कैसे करने का है। फिर डीएससी डाउनलोड होता है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। आपके पास खाली टोकन है क्या? नहीं है ना, वो कहाँ से लाने का है। अच्छा, फिर मुझे कुरियर करवाना पड़ेगा। आपका एड्रेस मुझे वो, अच्छा जो आपने एड्रेस दिया वही एड्रेस है ना? हाँ वही है। तो वो एड्रेस पे मैं एक डीएससी आपका कुरियर कर देता हूँ, है बाद में आपको जब ज्यादा चाहिए तो वो मांग लेना मेरे से। अभी कितने कितने भेजते हो आप। कितना भी आपको उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी आपको एक, आपको अभी एक का जरूरत है ना या ज्यादा चाहिए? देखो आपको आईडी आपका बन गया है, आपका आईडी का मैंने भेज दिया, देखो ईमेल पे भी मिल जाएगा, तो आप अपना सेम तैयार कर लो, पासवर्ड को रिसेट करो, फॉरगेट हाँ करो, और आईडी अपना पासवर्ड सेट कर लो, तो आपको भी इस तरीके से डिटेल्स मिल जाएगा, है ना? कहाँ से लॉगिन करोगे पता है ना? यहाँ पे गूगल में सर्च करने का, ई मुद्रा पार्टनर लॉगिन। पार्टनर लॉगिन, बराबर, और यहाँ पे लॉगिन करने का। अब जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ मेरा क्या डालना पड़ेगा, साइन आपको इन भेजा ना मैंने अभी, भेजा है क्या। हाँ आईडी भेजा देखो, और पासवर्ड आप सेट कर लोगे यहाँ से जनरेट या फॉरगेट से, ये बन गया। ऐसा आएगा तो इसको स्किप कर देने का, स्किप डैशबोर्ड, ये आपका खुल जाएगा। एप्लीकेशन मैनेज एप्लीकेशन व्यू, अभी तक देखो उसने किया नहीं, जब तक वो बीओक्यू का बता सकते हैं क्या, मतलब कौन सा बीओ क्यू का? टेंडर केस में जो बताया था ना आपने, तो उसमें परसेंटेज डालने में मुझे दिक्कत आ रहा है। हेलो, हाँ क्या दिक्कत आ रहा है? परसेंटेज डालते डालते समय ना वो परसेंटेज उसमें नहीं आ रहा है बीओक्यू में लास्ट में आपने। ओके, तो ये वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप इसका सीए वेरिफिकेशन कैसे होता है वो देखो। तो यहाँ पे होम पे है मान लो आप, और आपको एप्लीकेशन मैनेज एप्लीकेशन मिल जाएंगे, तो जितने भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे वो आपको दिखेगा। मुझे मान लो इसको अप्रूव करना है, तो व्यू, आपके पास जो कोड है वो कोड होना चाहिए। जैसे मेरे पास कितना कोड है अभी फिलहाल, तो एक कोड अवेलेबल है, ये खरीदना पड़ता है, जैसे ही खरीदेंगे तो ये मुझे मिल जाता है। तो एप्लीकेशन मैनेज एप्लीकेशन, यहाँ पे व्यू, और यहाँ से करेंगे अप्रूव। अप्रूव कैसा? प्रोडक्ट की हिसाब, तो मेरे पास एक की है इसलिए पिक करेंगे, आ गया, इसको यस और अप्रूव, ये हो गया अप्रूव। अभी यहाँ पे देखो अप्रूव कर दिया, तो मेरे पास प्रोडक्ट की 0 हो गया। अभी वो जैसे वीडियो वेरिफिकेशन करेगा
वैसे ही हम उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे सकते हैं। एप्लीकेशन में अभी मैनेज एप्लीकेशन में जाएंगे तो हमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने उसको अप्रूव कर दिया, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? ये कोड से, मुझे कोड पता करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो कोड डालो, क्या था कोड? मैंने उसका आपको भेजा भी था पहले भी, उसको भी भेजा कस्टमर को भी, 150 1 5 1 5 0 9 5 6 3 8 सर्च। देखो आ गया, अभी ये अप्रूव हो चुका है। वीडियो वेरिफिकेशन जैसे ही होगा वैसे ही सीए अप्रूवल तुरंत, वैसे ही तुरंत हो जाएगा, मुझे अभी इसके लिए वेट नहीं करना है।